भाई आज की वीडियो बहुत कमाल की होने वाली है। इस वीडियो में आपको 21 रैंडम फैक्ट्स मिलेंगे जो कि लिटरली आपके ब्रेन की नसों को हिला देंगे। जैसे इंडियन करेंसी पर महात्मा जी की फोटो क्यों होती है और 10 करोड़ साल पहले सहारा डेजर्ट कैसा दिखता था और चूहे सोते वक्त सपनों में क्या देखते हैं। तो चलो भाई शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और हाँ, वेलकम बैक दोस्तों। नंबर 21। भाई आप यकीन नहीं करोगे लेकिन यूएस के सुप्रीम कोर्ट में बास्केटबॉल कोर्ट भी मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, ये बास्केटबॉल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के 5th फ्लोर पर मौजूद है। अब आप बोलोगे सुप्रीम कोर्ट में बास्केटबॉल कोर्ट, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। दरअसल 1940 से पहले ये फ्लोर बस एक स्टोर रूम था, लेकिन 1940 में इस फ्लोर को बास्केटबॉल कोर्ट में कन्वर्ट कर दिया गया ताकि एम्प्लॉयज थोड़ा एंजॉय कर सकें। नंबर 20। भाई आपने कई बार मैकडोनाल्ड में बर्गर और फ्राइज खाए होंगे, पर क्या आपको पता है मैकडोनाल्ड ने एक बार बबल गम फ्लेवर्ड ब्रोकली भी बनाई थी। जी हाँ दोस्तों, ये ब्रोकली बेसिकली बच्चों के लिए बनाई गई थी ताकि बच्चे इसी बहाने कुछ हेल्दी खाना खा पाए, पर ये बबल गम फ्लेवर्ड ब्रोकली कुछ खास चली नहीं क्योंकि बच्चे इसके टेस्ट में काफी कंफ्यूज हो गए थे। नंबर 19। भाई एग्जैक्टली तो नहीं पता लेकिन कहा जाता है कि माउंट एवरेस्ट पर 200 से ज्यादा डेड बॉडीज मौजूद हैं और ये बॉडीज उन लोगों की हैं जो माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करने गए थे पर किसी वजह से उनकी डेथ हो गई, मे बी स्नो एवलांच में दबकर या फिर और किसी कारण से। नंबर 18। भाई लंदन के विंबलडन में टेनिस मैच के दौरान गाली देना और थूकना पूरी तरीके से बैन है और अगर कोई प्लेयर ऐसा करता है तो उस पर $20,000 का फाइन भी लग सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए वहाँ जजेस को अलग अलग लैंग्वेजेस में गालियाँ सीखनी पड़ती हैं ताकि अगर कोई प्लेयर अब्यूसिव वर्ड्स का यूज करे तो जज उसे इजीली पकड़ ले। नंबर 17। भाई इंडिया में क्रिकेट को भगवान की तरह पूजा जाता है, ये तो हम सभी को पता है, पर क्या आपको पता है इंडिया में वर्ल्ड का हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड भी मौजूद है। ये ग्राउंड हिमाचल प्रदेश के चेल में मौजूद है और ये क्रिकेट ग्राउंड सी लेवल से 2444 मीटर ऊंचा है। वाओ। नंबर 16। भाई आपने किटकैट चॉकलेट तो जरूर खाई होगी, पर क्या आपने कभी नोटिस किया है कि किटकैट के वेफर्स के बीच में जो लेयर होती है वो एक्चुअली में क्या होती है? तो चलिए मैं बताता हूँ। जब फैक्ट्री में किटकैट बन रही होती हैं तो काफी सारी किटकैट्स टूट जाती हैं जिन्हें फिर से लिक्विड कोको और शुगर में मिलाकर वेफर्स के बीच में भर दिया जाता है। इसे बोलते हैं जीरो वेस्टेज। कस्टमर भी खुश और कंपनी भी खुश। वाओ। नंबर 15। भाई महंत भरतदास इंडिया के मोस्ट प्रिविलेज्ड वोटर हैं। जी हाँ दोस्तों, महंत भरतदास गुजरात के गिर फॉरेस्ट के एक छोटे से गांव बनेज में रहते हैं। इन्हें वोट डालना था, फिर क्या था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सिर्फ एक वोटर के लिए इस गांव में पोलिंग बूथ लगा दिया और फिर इन्होंने वोट दिया। इसे कहते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री। नंबर 14। भाई अगर हमसे स्काई डाइविंग करने के लिए बोला जाए तो ऑब्वियसली हम डरने लगेंगे क्योंकि थोड़ी सी हाइट से गिरने पर ही हमारी सांस रुक जाती है और अगर हम प्लेन से कूदेंगे तो हमारा क्या हाल होगा, लेकिन भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्काई डाइविंग करते वक्त आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जब हम कहीं से गिरते हैं तो उस वक्त हमारी स्पीड जीरो होती है और अचानक से हमारी स्पीड में बदलाव आने के कारण हमें झटका लगता है। वहीं स्काई डाइविंग करते वक्त प्लेन की स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर के आसपास होती है और हमारी नीचे गिरने की स्पीड अप्रोक्स 200 किलोमीटर पर आवर की होती है, इसीलिए हमारी बॉडी 160 से 200 की कांस्टेंट स्पीड काफी इजीली रीच कर लेती है और इसीलिए हमें गिरने की फीलिंग कम और मजा ज्यादा आता है। नंबर 13। भाई क्या आपको पता है अभी तक का सबसे हैवीएस्ट वाटरमेलन किसने उगाया था? दरअसल अभी तक का सबसे हैवीएस्ट वाटरमेलन 2013 में क्रिस केंट ने उगाया था जो कि यूएसए के रहने वाले थे और ये वाटरमेलन 159 केजी का था एंड ऑब्वियसली इनके पास गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मौजूद है। अमेजिंग। नंबर 12। भाई जापान में एक रैबिट आइलैंड भी मौजूद है जो कि ईस्टर्न हिरोशिमा में मौजूद है और यहाँ सिर्फ रैबिट्स रहते हैं और अगर आपका यहाँ जाने का मन है तो आप इस आइलैंड को विजिट भी कर सकते हो। वाओ। नंबर 11। भाई ये बहुत ज्यादा फनी फैक्ट है, बात ये है कि वॉम्बैट्स का पूप क्यूब शेप का होता है। जी हाँ दोस्तों, रिसर्चर्स का मानना है कि वॉम्बैट्स की इंटेस्टाइन में काफी ज्यादा कॉन्ट्राडिक्शंस होते हैं जिस वजह से उनका पूप क्यूब शेप का होता है। नंबर 10। भाई क्या आपने कभी नोटिस किया है कि मोस्टली डिज्नी कैरेक्टर्स हाथों में हमेशा ग्लव्स को पहनते हैं? जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ग्लव्स को एनिमेशन देना काफी इजी होता है और अगर इन ग्लव्स की जगह रियल हैंड्स का यूज किया जाए तो एनिमेशन देना काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और हमें भी इन एनिमल्स के हैंड्स देखने में ज्यादा अच्छे नहीं लगेंगे, इसीलिए इन कैरेक्टर्स के हैंड्स की जगह ग्लव्स का यूज किया जाता है। नंबर 9। भाई हम ह्यूमंस डेली ड्रीम्स देखते हैं, पर क्या आपको पता है चूहे भी ड्रीम्स देखते हैं? जी हाँ दोस्तों, स्टडीज से पता चला है कि चूहे ड्रीम्स से फूड को देखते हैं और चूहे ड्रीम्स में अपने आप को मेजेस में भागते हुए देखते हैं। वाओ। नंबर 8। भाई रूबर्ब नाम का एक प्लांट होता है और ये ग्रो होते वक्त पॉप साउंड निकालता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये प्लांट काफी तेजी से ग्रो होता है और ये एक दिन में 1 इंच तक भी बढ़ सकता है जिससे पॉप साउंड प्रोड्यूस होती है और आप इस पॉप साउंड को सुन सकते हो। Yeah.
There's one. Number 7. भाई आप यकीन नहीं करोगे लेकिन मेलबोर्न के सेंट्रल एरिया में लोग ट्रैम्स में फ्री ट्रेवल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वहाँ की सभी ट्रैम्स बिल्कुल फ्री हैं, क्योंकि वहाँ काफी क्राउड रहता है और लोग अगर ट्रैम्स में ट्रेवल करेंगे तो काफी कम स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, और वहीं अगर लोग कार्स में ट्रेवल करने लग गए तो वहाँ के रोड्स काफी बिजी हो जाएंगे, जिस वजह से वहाँ और भी बड़े बड़े रोड्स बनाने पड़ेंगे ट्रैफिक को कम करने के लिए। लेकिन वहाँ काफी सारे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स भी हैं और बड़े रोड्स बनाने के लिए इन बिल्डिंग्स को तोड़ना भी पड़ सकता है, और इसी कारण से वहाँ की ट्रैम्स को फ्री कर रखा है। नंबर 6, पूरे वर्ल्ड में चीज और मैकरोनी सबसे ज्यादा कनाडा में खाई जाती है, और सबसे ज्यादा फ्राइज बेल्जियम में खाए जाते हैं, और सबसे ज्यादा ब्रेड जर्मनी में खाई जाती है। वाओ। नंबर 5, भाई कई बार हम सोचते हैं कि काश एक ऐसी गाड़ी हो जिसे हम जॉयस्टिक से कंट्रोल कर सकें, पर भाई मर्सिडीज हिस्ट्री में एक ऐसी कार बना चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ये कार 1996 में लॉन्च हुई थी, जिसका नाम था F200, और इस कार में स्टीयरिंग व्हील और एक्सीलरेटर ब्रेक्स की जगह जॉयस्टिक लगी हुई थी, और इसे ड्राइवर के साथ साथ पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ पर्सन भी कंट्रोल कर सकता था। अमेजिंग। नंबर 4, भाई आपने जैम और जेली को तो जरूर खाया होगा, पर क्या आपने कभी सोचा है इन दोनों के नाम अलग क्यों होते हैं? ये ऑलमोस्ट सेम ही तो होते हैं। दरअसल जैम फ्रूट्स को मैश करके बनता है और जेली फ्रूट जूस से बनती है, इसीलिए इन दोनों के नाम अलग होते हैं। नंबर 3, भाई हम सोचते हैं कि सहारा डेजर्ट पूरा सैंड से कवर्ड है, पर भाई रियलिटी में ऐसा बिल्कुल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, सहारा डेजर्ट का सिर्फ 1/4 हिस्सा ही सैंड से कवर्ड है, और बाकी का पूरा हिस्सा माउंटेन्स और ओसिस से कवर्ड है। और सहारा डेजर्ट वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट नहीं है, एरिया वाइज वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट एंटार्कटिक डेजर्ट है, जो कि एंटार्कटिका में मौजूद है। नंबर 2, भाई आप यकीन नहीं करोगे लेकिन जैसे ही आप ग्रेप्स को माइक्रोवेव में गर्म करोगे तो वो रोस्ट होने के बजाय एक्सप्लोड हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों। नंबर 1, भाई हम डेली इंडियन करेंसी पर गांधी जी की फोटो को देखते हैं, पर नोटों पर गांधी जी की फोटो को लगाया ही क्यों जाता है? आजादी से पहले नोटों पर ब्रिटिश किंग की फोटो हुआ करती थी, और आजादी के बाद नोटों पर से इस फोटो को हटा दिया गया। RBI ने हमेशा भारत के अलग अलग पहलुओं को करेंसी पर हाईलाइट करने की कोशिश की है, जैसे 1000 के नोट पर तांजोर टेम्पल, 5000 के नोट पर गेटवे ऑफ इंडिया, और 10000 के नोट पर अशोक स्तंभ हुआ करता था। 1969 में RBI ने 100 रुपए का एक स्पेशल नोट निकाला गांधी जी की 100वीं बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए, और 1986 में गांधी जी 500 के नोट पर आए, और फाइनली 1996 में RBI ने महात्मा गांधी सीरीज के नोट्स को प्रिंट करना चालू कर दिया, जिसे आज तक फॉलो किया जा रहा है। नोट्स पर गांधी जी की फोटो होनी ही चाहिए, ऐसा कोई लॉ नहीं है, ये बस एक डिजाइन डिसीजन है। तो भाई आज के लिए बस इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। बहुत ही जल्द मिलेंगे एक न्यू वीडियो में।